न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर पर। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह यूपी फतेह की जुगत में जुट गई हैं। केजरीवाल ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई। ओवैसी ने ओमकार राजभर से मुलाकात की और शिवपाल के साथ होने का भी जिक्र किया और शिवपाल ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन भी होगा और चुनाव भी जीतेंगे। और ऐसे में अब सूबे की सियासत दिन प्रतिदिन और भी दिलचस्प होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के अलावा एक अलग ही मोर्चा बन रहा है। इसमें कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी यूपी में एंट्री हुई। तो वहीं कभी सपा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे शिवपाल सिंह यादव ने भी चुनावी दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया है। ये सभी अलग मोर्चे में शामिल होकर एक दूसरे का साथ देने की योजना बना रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, 2022 में हमने तो अभी से तैयारी कर दी। जो दत्ता कह रहे थे कि स्पष्ट, तो मैंने कह दिया कि अब जो हमसे अलायंस करेगा और हम जो के अलायंस नहीं करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार में रहे और सरकार में जब रहेगी तब किसानों के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिजली की कोई फिर कमी नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के इस बात पर रुख कड़ा कर लिया। शिवपाल का कहना है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं अखिलेश के उस बयान पर जिसमें चाचा को सरकार बनने पर मंत्री का ऑफर दिया था, उस पर चाचा शिवपाल का कहना है कि वह एक क्रूर मजाक था, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं और हम अब पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ओवैसी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर उनका कहना है कि हमारा गठबंधन गैर भाजपाई होगा। देखिए, हमारा है कि गैर भाजपा, जो लोहिया जी ने आपको याद होगा 1963 में गैर कांग्रेस बात चलाया था, अब वो ही मैं चलाना चाहता हूँ, गैर भाजपा बात। और सभी सेकुलर पार्टियाँ, हम चाहते हैं कि सभी सेकुलर पार्टियाँ एक हो जाए, और फिर नहीं तो फिर हम तो अपनी छोटी छोटी पार्टियों से मिला करके, और हमारा प्रयास है कि एक बड़ी पार्टी से भी हम अलायंस करें। समाजवादी पार्टी ने भी आपको ऑफर किया था, अखिलेश जी ने यहाँ प्रेस की थी और आपके लिए कहा था, उन्होंने वो सब आप तक भी पहुँचे होंगे, उन पर कोई निर्णय लेने का विचार? वो तो मजाक थी, क्रू मजाक थी। अब हमने जो आगे अपना बढ़ा दिया है, पैर बढ़ा दिए हैं, अब पीछे नहीं। भले ही यूपी विधानसभा को 1.5 साल ही बचे हों, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पर है। हर पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद किसका गठबंधन रंग लाएगा और जनता किस पार्टी को सरकार बनाने की रेस में जीत दिलाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।